एक बार भारत के एक छोटे से गांव में नानी नाम की एक सुंदर और दयालु बुढ़िया रहती थी। नानी के कोमल स्वभाव और घर के स्वादिष्ट खाने के लिए गांव में सभी को प्यार था। वो अक्सर अपने घर के बाहर बैठकर पक्षियों को दाना खिलाती और उनके लिए गाने गाती नजर आती थी। एक दिन जब नानी अपना पसंदीदा गीत नानी तेरी मोर, जिसका अर्थ है दादी आपका मोर, गा रही थी, एक कुख्यात चोर जो गांव में कहर बरपा रहा था उसके घर में घुस गया और उसकी बेशकीमती चीज चुरा ली, एक सुंदर मोर वो पंख जिसे उसने वर्षों से संजोया था। चोर ने सोचा कि वो इससे बच गया है, लेकिन वो नहीं जानता था कि नानी ने उसे पंख चुराते हुए देखा था। जब नानी को पता चला कि उसका प्यारा पंख गायब है तो उसका दिल टूट गया। उसने हर जगह ढूंढा लेकिन नहीं मिली। वो जानती थी कि इसके लिए चोर जिम्मेदार है, लेकिन यह नहीं जानती थी कि क्या किया जाए। नानी बूढ़ी और दुर्बल थी और चोर का सामना करने के विचार से ही वो डर गई। दिन बीतते गए और गांव में उथल पुथल मच गई, क्योंकि चोर लोगों के घरों से चोरी करता रहा। ग्रामीणों ने उसे पकड़ने की सारी उम्मीद खो दी थी कि एक दिन रवि नाम के एक युवा लड़के को एक विचार आया। रवि जानता था कि नानी का मोर पंख उसके लिए खास है और चोर शायद उसे अपने पास रखेगा। इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि वे ग्रामीणों से कहें कि वे पंख पर नजर रखें और यदि उन्होंने इसे देखा तो वापस रिपोर्ट करें। वे फिर चोर का पीछा करेंगे और उसे रंगे हाथ पकड़ लेंगे। योजना ने जादू की तरह काम किया। कुछ दिनों के भीतर चोर के कब्जे में पंख देखा गया और ग्रामीण उसके पीछे पीछे उसके ठिकाने तक गए। उन्होंने उसे चोरी करते पकड़ लिया और अधिकारियों को सौंप दिया। जब नानी ने ये खबर सुनी तो वो बहुत खुश हुई। वो कभी खुश नहीं रही थी। ग्रामीणों ने उसके प्यारे पंख लौटा दिए और उसकी आंखों में खुशी के आंसू के साथ उसने नानी तेरी मोर गाया। चोर को उसके अपराधों के लिए दंडित किया गया और अंत में गांव शांति में था। उस दिन से ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को हल करने के लिए मिलकर काम करना सीखा और नानी को उनकी बहादुरी के लिए नायक के रूप में सम्मानित किया गया। चोर ने अपना सबक सीख लिया और एक ईमानदार आदमी बन गया और नानी का मोर पंख गांव में आशा और एकता का प्रतीक बना रहा। नानी तेरी मोर चोर की कहानी गांव में एक किंवदंती बन गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। इसने लोगों को याद दिलाया कि समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर हम मिलकर काम करें और अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहें तो हमेशा एक समाधान होता है।